सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट ईयर 2021 के अंदर ना कनेडियन गवर्नमेंट ने एक खतरनाक सी चीज करी थी, जिसके अंदर जितने भी एलिजिबल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और वर्कर्स थे सबको पीआर बांटी थी इन्होंने, और प्रोग्राम का नाम था टीआर टू पीआर। तो उसके बाद इतनी हाइप हो रही थी ना कि 2022 के अंदर भी शायद टीआर टू पीआर वापस से आएगी, और इस चीज की जो होप थी ना वो 11 मई 2022 को और ज्यादा बढ़ गई थी जब मोशन 44 प्रपोज किया गया था पार्लियामेंट के अंदर। तो आपको ब्रीफ में बताते हैं, जो इमिग्रेशन मिनिस्टर है ना उन्हें 120 दिनों का टाइम मिला था कि आप कोई अच्छा सा प्लान लेके आओ, जितने भी बंदे यहाँ पे स्टडी करने आए हैं, जो वर्क परमिट पे भी आ गए हैं, उन्हें परमानेंट रेजिडेंसी चाहिए। अपना जो प्लान ऑलरेडी जो चल रहा है वो कोविड के बाद बिल्कुल लैप्स हो रखा है, इतनी मिलियंस फाइल्स जो हैं वो सारी बैकलॉग में पड़ी है। सो आप कुछ नया सा प्रोग्राम लेके आओ जो लॉन्ग टर्म भी चले, क्योंकि लास्ट ईयर जो टीआर टू पीआर प्रोग्राम था वो वन टाइम था। तो इस बार इनको ये टाइम दिया गया था कि कुछ अच्छा सा प्लान और स्ट्रक्चर लेके आए। तो जो 120 दिन थे ना वो 8 सितंबर को खत्म हो गए थे, और उस टाइम ये बिल्कुल ठंडे पड़े थे, कोई अपडेट नहीं आया। बट 20 सितंबर 2022 को इन्होंने अपना प्लान शेयर किया, के बारे में अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको बताते हैं, टीआर टू पीआर का मतलब है टेम्परेरी रेजिडेंट टू परमानेंट रेजिडेंस। तो सबके दिमाग में एक ही थॉट आता है कि जिस तरीके से पिछली बार सबको पीआर कर दिया था, इस बार भी वैसे ही होगा। तो गाइस पीआर जरूर ये करने वाले हैं, और ज्यादा लोगों को पीआर करने वाले हैं, बट एक स्ट्रेटेजिक वे से जो कि लॉन्ग टर्म तक चलेगा। सो जिस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने मोशन 44 प्रपोज किया था, सबसे पहले उनकी स्टेटमेंट देखते हैं अपने, कि जब इमिग्रेशन मिनिस्टर ने ये प्लान लॉन्च कर दिया तो उनका क्या कहना है। On January 31st, 2022, I tabled my private member's motion M44. On May 11th, my motion was adopted unanimously in the House. I'm happy to announce that on the first day of Parliament, the Minister of Immigration, Sean Fraser, tabled his response, Strategies to Expand Pathways to Permanent Residency. This includes 5 strategic pillars, including leveraging the increased spaces in the 2022 to 2024 Immigration Levels Plan, increasing flexibility in immigration selection tools, enhancing permanent immigration programs and pilots, supporting communities in attracting and retaining newcomers, and building operational capacity. As the minister implements these strategies in the coming months, we will keep you updated. In the meantime, please click on the link for a copy of the minister's response, and I look forward to making sure all temporary foreign workers and international students find a pathway to permanent residency. तो गाइज इनकी स्टेटमेंट आपको इसलिए सुनाई गई है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, जो कह रहे हैं कि ये मजाक है, आप कुछ नई स्ट्रेटेजी नहीं लेके आए हो। बट जैसे कि आपने देखा कि जिस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने मोशन 44 लॉन्च किया था वो अब सेटिस्फाइड है गवर्नमेंट जिस डायरेक्शन में जा रही है। सो इसलिए इस वीडियो के अंदर आपको वो सारा प्लान दिखाते हैं। 39 पेजेस का पीडीएफ है जो इन्होंने लॉन्च किया है पब्लिकली, जिसमें कि इन्होंने पूरी प्लान और स्ट्रेटेजीज बताई है 2022 से लेकर 2024 तक की, कि किस तरीके से ये सबको अब आगे पीआर देने वाले हैं। तो ये सारा जो कंसेप्ट है ना, इन्हें 5 पिलर पे बेस्ड कह रहे हैं, जिसके बारे में अभी अपने आगे बातें भी करेंगे। कि लास्ट ईयर हमने सुना था कि टीयर सिस्टम आ रहा है, तो वो चीज अब एप्लीकेबल हो जाएगी जो नया प्लान ये स्टार्ट करेंगे उसके अंदर। और प्लस एक रिजेक्शन वाली बड़ी आजकल न्यूज चल रही है कि स्टूडेंट्स के वीजा बहुत रिजेक्ट हो रहे हैं। तो इस पीडीएफ के अंदर ना एक पैराग्राफ भी था, सबसे पहले मैं वो आपको दिखाना चाहता हूं जो थोड़ा सा अलार्मिंग लग रहा है। तो गाइस आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, अपने जो हाईलाइटेड है ना पैराग्राफ के अंदर लाइन, सिर्फ वो रीड करेंगे। However, despite growing in size, the international student population has become less diverse over the past 2 decades, with increased concentration in certain source countries, provinces of studies and field of study. तो गाइस इन्होंने डायरेक्टली कुछ नहीं कहा, इनका कहना यह है कि कुछ सोर्स कंट्रीज से, कि कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज से स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, बाकी कंट्रीज से नहीं आ रहे। तो हम इस चीज पे वर्क करने की ट्राई करेंगे कि थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा हो पाए। और साथ में इन्होंने प्रोविंसेस ऑफ स्टडी के बारे में भी बात करी है कि जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादा ब्रिटिश कोलंबिया या फिर ओंटारियो में आ रहे हैं, और वो भी सिर्फ स्पेसिफिक सिटी के अंदर। तो इससे हो क्या रहा है, अल्टीमेटली हमें भी ये चीज दिख रही है कि जो बड़ी सिटीज हैं वो और ज्यादा पॉपुलेट हो रही है। कनाडा बहुत बड़ा है, बट बाकी जो सिटीज है वो छोटी है, वहां पे डेवलपमेंट भी नहीं हो रही। सो इस इश्यू पे भी वो वर्क करने वाले हैं कि ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज से डाइवर्सिफिकेशन होके बच्चे आए और अलग अलग तरीके के कोर्स लें, अलग अलग सिटीज में जाके रहें। सो इस तरीके का कुछ ही आगे करना चाह रहे हैं। प्लस इन्होंने जो फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन है ना, उसको भी क्यूबेक के आउटसाइड अब ये प्रायोरिटाइज करने वाले हैं। तो इस प्लान के अंदर इन्होंने ये चीज भी बहुत अच्छे से मेंशन करी है। तो अगर आप इंडिया में सोच रहे हो ना कि इंग्लिश तो हमें बहुत अच्छे से आती है, कोई और लैंग्वेज भी सीख लेते हैं, हमारे पास टाइम है, तो भाई कोशिश करना कि फ्रेंच सीख लो, हो सकता है फ्यूचर में आने वाले टाइम में आपको उस चीज का बहुत बेनिफिट मिले। तो इसके बाद इनकी स्ट्रेटेजी जो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, इन्होंने पूरा पीडीएफ शेयर किया है, जो कि आपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो आपको वीडियो दिखाई थी उसके अंदर भी उन्होंने दिखा रखा था कि बड़े खुश हो रहे थे कि ये प्लान आ चुका है। तो भाई अब अपने ब्रीफली इस प्लान के बारे में बात कर लेते हैं, क्या ये पिलर्स वाला सीन चल रहा है। तो पिलर वन के अंदर आप देख सकते हो कि इट यूजेस द इंक्रीज्ड इमिग्रेशन लेवल्स टारगेट्स आउटलाइन इन द 2022 टू 2024 इमिग्रेशन लेवल प्लान टू प्रोवाइड कनाडा विद अ लार्जर परमानेंट लेबर सप्लाई,
This plan increases the opportunity for more temporary workers to transition to permanent residence to help address labor market shortages and fuel our post-pandemic economic growth. तो भाई पिलर नंबर वन के अंदर कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो ये यूज करेंगे जो लेबर मार्केट है उसमें शॉर्टेज थी, जो कि इन्होंने स्टैटिस के अंदर शेयर भी किया था कि जब 2022 स्टार्ट हुआ था तो स्टार्टिंग के अंदर 9 लाख से भी ज्यादा जो इनके पास वैकेंट पोजीशंस थी जो कि एम्प्लॉयर्स सीख कर रहे थे। तो ये शॉर्ट टर्म जो लेबर की शॉर्टेज हो जाती है ना यहाँ पे, तो उसको कॉप अप करने के लिए पिलर वन इन्होंने स्पेसिफाई किया है कि पैंडेमिक के बाद अब कैनेडा को ग्रो करने के लिए इस चीज की इनको रिक्वायरमेंट रहेगी। तो उसके बाद फिर पिलर नंबर टू के अंदर इनका क्या एम है वो भी अपने देख लेते हैं कि पिलर टू एम्स टू रिफॉर्म the express entry system including by increasing flexibility in immigration selection tools under express entry through recent changes to immigration and refugee protection act. तो भाई इसके अंदर अब ये बात कर रहे हैं कि express entry जो program चल रहा है इसके अंदर ये कुछ changes करेंगे थोड़े बहुत, और वो depend करेंगे अभी के status पे कि Canada के अंदर किन किन चीजों की shortage है, कौन से skill workers इनको चाहिए, तो उस according ये अब थोड़े बहुत changes करेंगे और उसके बाद उन changes को express entry पे apply करेंगे। और बाकी ये briefly इन्होंने ये सारी चीजें बताई है, इन्होंने कोई अभी specific dates वगैरह कुछ भी मेंशन नहीं करी है कि किस तरीके से ये सारी चीजें एग्जीक्यूट करने वाले हैं, बट हाँ ये अपने चीज जरूर कह सकते हैं कि जितने भी स्किल वर्कर जो कनाडा के अंदर अभी जिन्हें परमानेंट रेजिडेंसी नहीं मिली है तो उनके लिए ये चीज बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो पिलर टू के अंदर तो इन्होंने एक्सप्रेस एंट्री के बारे में बताया कि उसके अंदर हम थोड़े से चेंजेस करने वाले हैं, बट पिलर थ्री के अंदर आप आगे देखो, पिलर थ्री इन्वॉल्व्स मेकिंग इंप्रूवमेंट्स टू परमानेंट इकोनॉमिक इमिग्रेशन प्रोग्राम्स टू हेल्प द ट्रांजिशन फ्रॉम टेंपरेरी टू परमानेंट रेजिडेंस ऑफ एसेंशियल वर्कर्स इन हाई डिमांड ऑक्यूपेशन। तो बेसिकली इन्होंने ये कहा इसके अंदर कि जितने भी ऑलरेडी प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जो कि हमें पता है कनाडा के अंदर बहुत सारे परमानेंट रेजिडेंसी दिलाने वाले प्रोग्राम चल रहे हैं, तो उन्हीं को ही हम थोड़ा सा और इंप्रूव करेंगे। कैसे करेंगे? तो इसके अंदर इन्होंने ये चीज स्पेसिफाई की है कि अब फाइनली जो लेटेस्ट वर्जन था, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, अडॉप्टिंग द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द नेशनल ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन विच एक्सपेंड्स एलिजिबिलिटी टू सर्टेन इन डिमांड ऑक्यूपेशन विद इन अ नंबर ऑफ परमानेंट इकोनॉमिक इमिग्रेशन पाथवेज। तो नया टीयर सिस्टम अब ये कह रहे हैं कि हम अप्लाई कर देंगे। तो उसके बाद अपने फोर्थ पिलर पे बढ़ते हैं, उसके अंदर इन्होंने ये चीज बताई है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इट एम्स टू सपोर्ट कम्युनिटीज इन अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग न्यू कॉमर्स इंक्लूडिंग थ्रू फ्रेंकोफोन इमिग्रेशन। तो यही चीज जो मैंने आपको पहले बताई थी ना कि फ्रेंच बोलने वाले बंदों को अब ये प्रायोरिटी देने वाले हैं, आप आगे भी देख सकते हो, द गवर्नमेंट सपोर्ट्स फ्रेंकोफोन माइनॉरिटी कम्युनिटीज outside of Quebec through measures aimed at meeting the 4.4% French speaking immigration target by 2023. तो इन्होंने इमिग्रेशन वाला टारगेट भी अब सेट कर रखा है कि हमें 4.4 जो पॉपुलेशन चाहिए आउटसाइड ऑफ क्यूबेक भी वो फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन चाहिए। तो ये भाई इन बंदों ने टारगेट सेट किया, तो इसलिए मैंने आपको ये चीज बोली थी कि अगर आपको कोई और लैंग्वेज सीखनी है, अगर आपके पास टाइम है, आपकी हॉबी है, तो भाई फ्रेंच की तरफ जाना, फ्रेंच सीख लेना, शायद आपको आने वाले टाइम में बेनिफिट मिल जाए। उसके बाद अपने लास्ट पिलर के बारे में बात करते हैं, पिलर नंबर 5। इन दिस पिलर द गवर्नमेंट इज increasing processing capacity, improving client experience and modernizing the immigration system through technological improvements, blah blah blah. तो भाई इसके अंदर तो इन्होंने यही चीज बताया कि हम अपने IT department पे काम करेंगे, इतना सारा backlog हो चुका है जो COVID के अंदर इन्होंने देखा, तो अब ये सारी चीजें ऑनलाइन करने की ट्राई करेंगे, अपने स्टाफ को भी बढ़ाने की ट्राई करेंगे, जिससे कि सारा ये जो प्रोसेसिंग टाइम है ये कम हो जाएगा और जितने भी इमिग्रेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होगी अपने ट्रांजिशन में, अपनी फाइल्स वगैरह प्रोसेस करवाने में। तो बेसिकली आपने ये सारी चीजें देखी जो इमिग्रेशन मिनिस्टर ने अपने साथ शेयर करी है, तो जितने भी यहाँ पे इमिग्रेंट्स थे ना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टीआर टू पीआर जो लास्ट साल कुछ आया था उस तरीके का ये कुछ नया प्लान लेके आएंगे, तो उन लोगों के लिए तो ये बिल्कुल टोटल डिसअपॉइंटमेंट है। और ये चीज कहीं ना कहीं इन्होंने पहले मेंशन भी करी थी कि हम कुछ इस तरीके की स्ट्रेटेजी लेके आएंगे जिससे कि हम लॉन्ग टर्म अप्लाई कर सके, तो इसीलिए इन्होंने आपने देखा कि सभी पिलर्स के अंदर इन्होंने हर एक चीज को टारगेट किया कि हम किस तरीके से अपना जो पूरा प्रोसेस है उसको और स्ट्रेंथन कर सकते हैं, जिससे फायदा ये होगा कि हम और अच्छे से सारी चीजें प्रोसेस कर सकें और ज्यादा से ज्यादा टेम्परेरी रेजिडेंट्स यहां बुला सके और उन्हें परमानेंट कर सके। तो रफली अगर अपने बात करें ना, तो 2023 के अंदर भी 4 लाख कुछ ये बोल रहे हैं कि लगभग 500,000 पॉपुलेशन को ये परमानेंट रेजिडेंसी देंगे, और सेम थिंग ये 2023 और 2024 में भी करने वाले हैं। तो भाई ये जितना भी प्लान आया ना, इसके ऊपर मैं आपके थॉट्स भी सुनना चाहता हूं कि आपके क्या थॉट्स हैं, आप कमेंट करके जरूर बताना, और आपको और लोगों के भी दिखाते हैं, आप स्क्रीन पे देखो। एनडीपी इमिग्रेशन क्रिटिक जेनिक्वन सेड देयर इज नथिंग न्यू लिस्टेड, आप आगे और स्टेटमेंट भी देख सकते हो कि व्हाट द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड इज नथिंग मोर देन द रिसाइक्लिंग ऑफ व्हाट इज already in place. The minister is not proposing anything new to the immigration levels plan to support the goal set out in motion 44. This so-called strategy lacks any real information or details of what a true comprehensive plan would entail. So guys, बहुत सारी बातें चल रही है अब इस प्लान को लेके, हर बंदे का व्यू अलग है, इसीलिए मैंने आपको वो वीडियो भी दिखाई थी कि जिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ये मोशन 44 आगे किया था वो खुद सेटिस्फाई होकर बोल रहे हैं कि मिनिस्टर ने ये जो डिसीजन लिया है, ये जो प्लान लेके आए हैं वो बहुत सही है। बट अगर अपने लोगों की बात करें, टेम्परेरी रेजिडेंट्स की बात करें, वो
मेरे को लग रहा है कि वो खुशी से ज्यादा उनके डिसअपॉइंटमेंट ही हुई है। तो इसीलिए गाइस अगर आपको पूरा पीडीएफ पढ़ना है 39 पेजेस का, गुड लक विद दैट, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। तो ये सारी चीजें जो ऑलरेडी यहाँ पे वर्क कर रहे हैं उन पे भी अप्लाई होने वाली है फ्यूचर में, और जो इंडिया से भी रिसेंटली कनाडा पढ़ने आने वाले हैं तो उनके लिए भी इन्फॉर्मेशन यूजफुल हो सकती है। सो आप जाके उसे रीड कर सकते हो और अपने जो थॉट्स है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो गाइस ये तो थी आज की मजदूरी, अगर आपको इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली कोई भी कनाडा से रिलेटेड वीडियो या ब्लॉग आप मिस ना कर दो। तो अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।